बंगला नववर्ष का आयोजन उन्होंने किया है, उसमें शामिल होने जा रहा हूँ। ठीक है सर, बस्तर को ब्रांड बनाने की बात आपने और प्रियंका गांधी जी ने कही थी वहाँ पर, तो रमन सिंह का कहना है कि ब्रांड पहले से बना है, आपके 4 साल में नहीं बना है, हमने पहले से ब्रांड बना के रखा है बस्तर को। हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं रमन सिंह जी, क्योंकि वो बस्तर में रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई सैलानी नहीं जाता था, बाहर की बात तो छोड़ दी, छत्तीसगढ़ के लोग जाने से डरते थे, वहाँ के आदिवासी दहशत में थे, व्यापारी डरे हुए थे, नौजवान डरे हुए थे, ये पहचान बना के उन्होंने रखा था, भोले भाले आदिवासियों को जेल में ठूसने का काम उसकी सरकार ने किया, फर्जी एनकाउंटर किया, ये पहचान वहाँ की बनी थी। आए दिन आईडी ब्लास्ट के आवाज़ें पूरे देश में सुनाई पड़ती थी, ये पहचान रमन सिंह बना के रखे थे। हमने 4-4.5 सालों में वहाँ आदिवासियों के परंपरागत निवासियों के लोगों के जो जल जंगल जमीन है उसका अधिकार हमने दिया, उसकी ज़मीनें जो रमन सिंह की सरकार ने छीन ली थी उसको वापस कराया, उसके परंपरागत जो लघुनुपज संग्रहण करते थे खेती करते थे उसको बढ़ावा दिया, 65 प्रकार के लघुनुपज की खरीदी की व्यवस्था के समर्थन मूल्य घोषित किया, लोगों को रोजगार से लगाया, उनके स्वास्थ्य उनके रोज शिक्षा सबको फिर से शुरू किया, जो स्कूलें बंद थी जब बीजापुर में दंतेवाड़ा में सुकमा में नारायणपुर में फिर से हमने शुरू कराया, शिक्षा से लोगों को जोड़ा, स्वास्थ्य जोड़ा। आज रमन सिंह के समय में न जॉब कार्ड था न राशन कार्ड था न ही आधार कार्ड था, कैंप लगा लगा के बीजापुर सुकमा जिले में हजारों की तादाद में हमने राशन कार्ड भी बनाया, आधार कार्ड भी बनाया, जॉब कार्ड भी बनाया। रमन सिंह के समय में जवानों के राशन पहुंचाने के लिए मई महीने में मशक्क़त करनी पड़ती थी, आप लोग खबर बनाते थे कि जवानों के लिए राशन पहुंचा,